हेलो दोस्तों, जी टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो आपके गेमिंग कंसोल, हेडफोन्स और वायर मैनेजमेंट को इजी कर देगा। दोस्तों, हमारे पास है ओइवो कंपनी का वॉल माउंट। दोस्तों, ये जो वॉल माउंट है मैंने अपने दोस्त की रिकमेंडेशन पे खरीदा है। तो आइए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो वीडियो। तो दोस्तों, बिना देरी करें हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही छोटा सा है। ये प्रोडक्ट मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। और आप भी देखिए, अगर आपने देखा नहीं है इस प्रोडक्ट को, अगर आप अमेज़ॉन पे देखेंगे तो 5000 से ज़्यादा लोगों ने इसको रेट किया हुआ है और इसकी रेटिंग जो है वो है 4.5। तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट है अराउंड 1100 रुपये। प्राइस जो है 50-100 रुपये नीचे ऊपर होता रहता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मिल जाता है ये एडहेसिव जिसको आप इसके पीछे लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिए हुए एक, तो दोस्तों इसके साथ ये 8 एडहेसिव्स मिलते हैं। साथ में ही आपको मिल जाते हैं इसके लिए स्क्रूज। तो देखिए, स्क्रूज भी एक्स्ट्रा ही दिए हुए हैं। इसके अंदर 4 का पैक है बेसिकली, लेकिन आप देखेंगे कि 6 स्क्रूज दिए हुए हैं। अब निकाल लेते हैं हम अपने प्रोडक्ट को। साथ में आपको मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड। तो वारंटी देखिए, आप 3 ईयर सपोर्ट दिया हुआ है, तो 3 ईयर सपोर्ट है, 45 डेज़ का रिटर्न है, 90 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी है। कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर काफ़ी भरोसा है, तभी उन्होंने इतनी वारंटी दी है। तो देखिए, ये है प्रोडक्ट और यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्रांडिंग। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है कंपनी की ब्रांडिंग। साथ में जो ये पूरा का पूरा बना हुआ है, ये प्लास्टिक का है, तो लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है रबड़ का ग्रिप। तो दोस्तों, मेरे पास एक गेमिंग कंट्रोलर है, तो ये इस तरह से इस पर आ जाएगा और ये आपका वॉल पे माउंट हो जाएगा। बेसिकली इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको वॉल पे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वुडन सरफेस है तो डायरेक्टली आप स्क्रू कर सकते हैं इसको, और अगर आप चाहें तो आप इसको एडहेसिव से भी चिपका के भी माउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इसको लगाएं तो आप इसको स्क्रू के थ्रू ही लगाएं, क्योंकि आपका कंट्रोलर जो है ये भी काफ़ी महंगे आते हैं। अगर ये गिरता है तो आपका कंट्रोलर जो है वो डेफिनेटली टूट जाएगा या फिर अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर काफ़ी हैवी भी होते हैं, तो ये डेफिनेटली इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट है इसी तरह से, इसमें ये 4 प्रोडक्ट हैं। एक और खोल के देख लेते हैं हम कि ये सेम है कि नहीं। तो दोस्तों, शुरुआत में जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल था इस प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि उसने मुझे बताया कि प्लास्टिक का है। मैं सोचता था कि ये मेटल का होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन उसने बोला ये प्लास्टिक का है, लेकिन मैंने इसको ख़रीदा नहीं। लेकिन जब मैं उसके घर गया और मैंने देखा तो मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप देखेंगे कि केवल हेडफोन माउंट करने के लिए आपको जो माउंट्स होते हैं हेडफोन माउंट्स करने के लिए, वही 300-400-500 रुपये के सिंगल माउंट मिलते हैं। वहीं उनकी क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी बेकार क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 2-3 फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। पहला फीचर तो ये है कि एक प्लास्टिक है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा, इसके अंदर आपको स्क्रू और एडहेसिव का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में या आपके इसके पैड्स भी इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। आई होप कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे काफ़ी। और अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा ना, तो मैं इसको एडहेसिव भी लगाऊँगा साथ के साथ, पे स्क्रू भी टाइट करूंगा ताकि एक वाइब्रेशन भी ना हो। और दूसरा, इसके अंदर देखिए ये रबड़ मैट है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रबड़ मैट है, ये साफ पता चल रहा है, ब्रांडिंग से पता चल रहा है, प्लास्टिक से। और सबसे अच्छी बात है कि ये फोल्ड हो जाते हैं, तो अगर आप इनको फोल्ड कर देते हैं तो आप जब आप इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इनको चाहे तो फोल्ड करके रख सकते हैं, इससे ये गंदे नहीं होंगे। और अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इसमें एक हेडफोन भी लगा के देखता हूँ मैं कि हेडफोन किस तरह से इसमें दिखेगा या फिट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा बॉस का हेडफोन जिसका रिव्यू का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि क्यों ये हेडफोन आज भी बेस्ट हेडफोन है। जैसे अगर आप इसे वॉल पर माउंट कर लेंगे तो आप इस तरह से अपने हेडफोन को इसमें रख सकते हैं, तो इस तरह से आपका हेडफोन ईजिली आ जाएगा। तो जैसे कि आपके पास केबल्स होती हैं, आप चाहें तो इसमें केबल्स को भी ऐसे लगा सकते हैं और अपनी केबल्स को हैंग कर सकते हैं। ये 4 का पैक जो था मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली जो हेडफोन्स वाले माउंट होते हैं वो केवल हेडफोन्स के लिए ही डेडिकेटेड होते हैं, उस पर आप कंट्रोलर नहीं रख सकते हो क्योंकि वो एक सिंपल सा बार होता है। लेकिन इसके अंदर आप
इस पे हेडफोन्स भी रख सकते हो, आप इस पे वायर रख सकते हो, आप चाहे तो इस पे कोई छोटा मोटा अपना सामान या कोई मिनिएचर टाइप की चीज़ भी रख सकते हो शो करने के लिए, और आपको जब नहीं चाहिए तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो। ये अच्छी फैसिलिटी है, तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि एडहेसिव लगा लेते हैं इसमें फटाफट से, और इसको हम एडहेसिव भी लगाएंगे और एक हाथ पे हम स्क्रू लगा के भी देखेंगे। तो बेसिकली मैं इसे वुडन सरफेस पे चिपकाने वाला हूँ, तो ये जो एडहेसिव है ये ट्रांसपेरेंट टेप है। सीरियसली बताऊँ तो मुझे इसको देख के लग नहीं रहा है कि एडहेसिव भी छूटेगा, मतलब ये काफ़ी स्टिकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप इसे यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप इसको एटलीस्ट ओवर द नाइट छोड़ें, इसके ऊपर कुछ हैवी वेट ना लगाएं, ये इसको थोड़ा सेटल होने दें। हम जब भी एडहेसिव लगाते हैं और हम चिपकाते हैं कुछ चीज़ को, तो हम उस पर तुरंत ही वेट को डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सरफेस को पहले क्लीन करना चाहिए, उसके बाद हमें जब जो भी हमारा प्रोडक्ट है एडहेसिव वाला, उसको जब भी अप्लाई कर दें तो उसे एटलीस्ट 24 आवर्स दें सेटल होने के लिए। तो हमने ये सभी पे लगा लिया है एडहेसिव, और इनमें से किसी एक हाथ पे अभी मैं स्क्रू लगाऊंगा। ये वाला स्क्रू काफ़ी बड़ा है, तो मैं नॉर्मली छोटा स्क्रू अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं वुडन पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको वॉल पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वॉल पे यूज़ करता तो साथ में मैं ये जो इसके साथ गिट्टियाँ दी हुई हैं इसके साथ लगाता, लेकिन अभी मैं इसे डायरेक्टली वुडन पे लगा रहा हूँ, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, और मैं केवल स्क्रू करूँगा, केवल एक दो को करके देखूँगा। अच्छा, आप देखिए ये परमानेंट स्क्रू भी नहीं है, अगर आप इसमें स्क्रू करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं, जिससे एक लॉकिंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो ये सभी पे लगा दिया है मैंने, तो चलिए फटाफट से इसको मैं जिस जगह पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ उस जगह पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं इनको यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा ताकि ये कम से कम एरिया घेरे और किसी चीज़ से टकराए भी ना। तो मैं इसका फटाफट से इसको पील ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देसी तरीके से नापने का जुगाड़ करेंगे, और यहाँ पे हमने नापा और थोड़ा सा गैप है, हमने इसको भी यहाँ पे नापा और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये उल्टा लग गया है हमसे, ये देखिए ये गलती हो जाती है। इसी के लिए इसके साथ एक्स्ट्रा एडहेसिव दिए हैं, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और दोस्तों ये है मेरी स्मार्ट पावर स्ट्रिप, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़फुल लगा है तो आप भी इसको डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में एक अगले प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।